अमेजोन से, और ये मुझे कितने का मिला, 150 आई थिंक, 190 ऐसे कुछ है, और ये कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब मैं इधर बैठ के इतना इतना ही हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम करके दिखाते हैं आपको, चलो। एवरीवन, सो गाइस, ये है वैक्स हीटर, जिसकी वीडियो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और पास आइए ज़रा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने मंगाया अमेजोन से, और ये मुझे कितने का मिला, 150 आई थिंक, 190 ऐसे कुछ है, और ये कम ज़्यादा होता रहता है, आप देख लेना आपको कितने का मिलता है, मतलब 200 के नीचे ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो एक बार, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, मैंने ये डब्बा खोल दिया है और मैं ये आपको आज वैक्स करके भी दिखाऊंगी। सब मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम ये कौन सा हीटर यूज़ कर रहे हो, कैसा हीटर यूज़ कर रहे हो, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा ऑफर है, कि एक तो सस्ता भी है और साथ में ये वैक्स कैसे होती है, कैसे कर रही है, मैं सब बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब एक काम कर कर ऊपर थोड़ा, तो ये है ब्लैक कलर का हमने मंगाया, इसका ढक्कन है। इस बार ना कुछ पैकिंग अच्छी नहीं की ना इन्होंने, मतलब बीच में ऐसे कुछ डालते थे ज़्यादा टूटे नहीं दिए थे। बहुत क्यूट सा है ये, छोटू सा है। इस पर डलेगी वैक्स और ये स्विच करेंगे ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एंड इसको एक दिया है रबर लगाया हुआ है, ये वायर है इसकी, देखते हैं कितनी लंबी है। एक मीटर है ये पूरी, एक मीटर वायर है इसकी, मतलब मैं इधर बैठ के इतना इतना ही हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम करके दिखाते हैं आपको, चलो। तो ये वैक्स हम करने वाले हैं, एलोवेरा वैक्स है ये, और सनशाइन का ब्रांड का है, तो इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ब्रांड का पता नहीं लेकिन ये वैक्स डाल दूँगी। और ये हम अभी थोड़ी ये मतलब समर्स में ना थोड़ी पिघल जाती है खुद ही, और सीधा हम इसमें डाल देंगे इसको। मैं सिर्फ आपको करके दिखाऊंगी थोड़ी सी। सो इसको कर देंगे हम ऑन, और ये थोड़ा टाइम लेगा गर्म होने में, और उसके बाद हम करेंगे वैक्स। और यहाँ पे हम अब लेग की वैक्स करेंगे, तो ये है इनकी लेग्स, और यहाँ पे हम वैक्स करेंगे, इनकी थोड़ी ग्रोथ भी हो गई है, और हम दिखाएंगे आपको करके, साथ में एलोवेरा वैक्स है और साथ में हीटर का रिजल्ट दोनों का। तो ये अभी सो गाइस ये हो गई है गर्म, देख सकते हो आप बिल्कुल पानी की तरह हो गई है, तो ऐसी हो जाए तो उसके बाद ही आप करना। तो अभी हम करेंगे स्टार्ट, पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पाउडर। और ये बहुत ही गर्म हो गई तो इसको हम बंद कर देंगे, ये गर्म तो लगती है ये भी, वो क्या बोल रहे थे नहीं लगती है यार, ये लगती है जो ये एलोवेरा वैक्स होती है ना और हनी वैक्स, ये दोनों गर्म लगती हैं, बस वो रिका चॉकलेट वाली नहीं लगती है ना। अंडरआर्म्स करने हो तो मर ही जाए बंदा, नहीं मरता नहीं है, उसको जिंदा रख सकते हैं हम पानी छानी पिला के। ठीक है, और पतली पतली लेयर लगाएंगे, ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक लगाएंगे तो बस यही याद रखना है आपने, और डायरेक्शन देख के ही आपने वैक्स लगानी है, अगर आपकी ऊपर वाली तरफ डायरेक्शन होती है तो ऊपर तरफ ऊपर की तरफ ही लगानी है, नीचे की तरफ होगी तो नीचे की तरफ ही लगानी है, और हो सके जितना उतनी पतली लेयर लगानी है। अगर आपके हेयर मोटे हैं तो आप थिक लेयर लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा थिक लगाते हो तो स्किन निकलने के चांसेस हो जाते हैं, और फिर आपने इस तरह से आपने स्ट्रिप लगा के और निकालते जाना है। अभी ये नहीं बोले पाए ना, आजकल फीमेल भी सॉरी मेल भी लगा रहे हैं। क्या है 12 तारीख को हमारे पीएम मोदी आ रहे हैं ना, कहाँ पे मोदी ग्राउंड,
हाँ मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं ना यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर नहीं आ रहे हैं, जम्मू उधमपुर में ही आ रहे हैं हमारे। प्लीज़ आप सब आ जाइए यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। जय लोग भूल जाते हैं अपने बच्चों को लेके, फिर बाद में उनको ऊपर उठाते हैं। मोदी बोलते हैं यार इनको नीचे रखो। मेरी वजह से बच्चों को तो तंग नहीं करो। तो कितनी अच्छी हो गई इनकी टांग ना। चलो जी कचरा देखिए। चलो जी उसके बाद आती है हमारी, ये होती है जेल जो वैक्सीन के बाद हम यूज़ करते हैं। और हमने अब लगा देनी है जेल जो वैक्स के बाद लगाते हैं। इससे क्या होता है थोड़ा सा ठंडक और थोड़ा क्या होता है स्मूथनेस, और अगर आपको रेडनेस हो गई हो और जैसे इससे थोड़ी क्या होता है रिलीफ मिलता है। और ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है वैक्स के बाद। और कुछ लोग नारियल का तेल भी लगाते हैं और इसी तरह हमारी वैक्स कम्प्लीट होती है। और आप देखेंगे कितना अच्छा रिज़ल्ट आ गया है वैक्स का। और इसी तरह ज़्यादा वीडियो अगर आपको देखनी है और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। सो चलते हैं, बाय।